चंदू नहीं चैंपियन है मैं। चंदू नहीं चैंपियन है मैं। तो फाइनली यारो चंदू चैंपियन का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। सुबह से लेकर अभी तक मैं वेट कर रहा था, पर फाइनली 8 बजे ट्रेलर को दे दिया है मेकर्स ने। और भाई साहब ट्रेलर की अगर बात करूँ ना तो फुली सुपर और फैंटास्टिक VFX देखने को मिले हैं, और कार्तिक आर्यन की जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है ना ऑफिशियल ट्रेलर के अंदर, वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिली है कार्तिक आर्यन की इस मूवी के अंदर। और ये कहानी सिर्फ एक करेक्टर की नहीं है, बल्कि इस एक करेक्टर के अंदर हमें 10 करेक्टर्स देखने को मिलेंगे उसी के लाइफ से रिलेटेड, जो एक बच्चे से स्टार्ट होता है करेक्टर जो कि चैंपियन बनना चाहता है और मास्टर जी मैं चैंपियन बनूंगा और मैं डल लाऊंगा, उस बच्चे से लेकर आर्मी तक जाने का सफर, और एंड में जो हमें एक बुढ़ापे वाला पोर्शन भी देखने को मिलता है कार्तिक आर्यन का। बेसिकली ये कहानी एक 5 साल के बच्चे की होगी जो 50 साल के एक बूढ़े आदमी पे खत्म होगी। और ट्रेलर के अंदर VFX भी कमाल लेवल के यूज किए गए हैं, और कबीर खान की डायरेक्शन एज ऑलवेज सुपर्ब और फंटास्टिक होती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी के डायरेक्टर हैं वो, और वही डायरेक्टर हैं इस मूवी के भी। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की हमें मूवी देखने को मिलेगी चंदू चैंपियन। रिलीज डेट तो आप लोगों को बताइए होगा 14 जून को आने वाली है। बाकी ट्रेलर के अंदर हमें बहुत सारे करेक्टर्स देखने को मिले हैं, चाहे वो कुश्ती वाला हो, चाहे वो आर्मी वाला हो, चाहे वो बॉक्सिंग वाला हो, और उसके अलावा भी कई और करेक्टर्स हैं इसके अलावा। बेसिकली बंदा एक ही होने वाला है मूवी के अंदर कार्तिक आर्यन, लेकिन उसके इतने सारे करेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं ना ऑफिशियल ट्रेलर के अंदर कि वो एक लड़का कुछ बनना चाहता है, पर कुछ बनने के लिए उसे क्या कुछ फेस करना पड़ता है ना भाई साहब। और वो जो सीन्स है ना, फाइट सीन्स हो गए चाहे आर्मी के और बॉक्सिंग पंचेस सीन हो गए ना, मतलब क्या ही लेवल के सीन्स मुझे देखने को मिले हैं इस ट्रेलर के अंदर। बाकी अगर मूवी की स्टोरी की बात करूं ना तो ये हमें 60s के टाइम की स्टोरी देखने को मिलेगी, जहां से हमें एक 5 साल का बच्चा एक स्कूल के अंदर बोलते हुए मिलता है कि मुझे चैंपियन बनना है और मुल्क का नाम रोशन करना है, आई मीन देश का नाम रोशन करना है। मास्टर जी मैं चैंपियन बनूंगा और मैं डल लाऊंगा, और वो देश का नाम रोशन करने के लिए कुश्ती, उसके अलावा बॉक्सिंग, उसके अलावा आर्मी में जाता है, और फाइनल में वो एक केस करना चाहता है, किसी प्रेसिडेंट का नाम लेता है वो क्लाइमेक्स के अंदर ट्रेलर के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चीटिंग का केस करने का। बाकी फुजूल बात ना करते हुए सिर्फ यही बोलूंगा कि ट्रेलर वाज सुपर फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिकल अनबिलीवेबल और अनबीटेबल ट्रेलर मुझे लगा है। बाकी ये मूवी मैं डेफिनेटली देखने वाला हूं, और इस मूवी को लेकर मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड भी था। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को ऑफिशियल ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।